हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज़ की पेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है, 14.5 इंच, शोल्डर है 5.5 इंच, आर्म होल है 6.25 इंच, 5.75, और ये ब्लाउज 36 साइज पे है, 36 साइज पे, 36 का 1/4 लेंगे 9 इंच 1.5 इंच मार्जिन के लिए, कमर का 1/4 लेंगे 1 इंच टक्स के लिए 1.5 इंच मार्जिन के लिए, गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच टोटल गले का लेंथ 10 इंच रखेंगे, और फिर नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और निशान को इस तरह से बराबर में मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने निशान को बराबर में मिला दिया है। अब इसी निशान पर टैप डैप करेंगे ताकि जो निशान है वो दूसरे साइड पे आ जाए, और निशान को इस तरह से अच्छे से डार्क कर लेना है, और कॉर्नर से 1 इंच पे यानी 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे और राउंड में इस तरह से मिला देंगे, और फिर इसी निशान पे नेक की कटिंग कर लेंगे। और अब ब्लाउज वाले पार्ट को इस तरह से फैला देंगे, और इस साइड स्क्वायर में हमें शेप में कट कर लेना है, जो ये गले का शेप है इसी शेप में कट कर लेंगे। और अब हम ब्लाउज की मेन फैब्रिक लेंगे, मेन फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की ओर रखेंगे, राइट साइड ऊपर की ओर करते हुए रखेंगे, ऊपर से अस्तर कपड़े को रखेंगे, अच्छे से पिनअप कर लेंगे, और फिर एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे गले पर सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं नेक की स्टिचिंग हमने अच्छे से कर लिया है। अब जो सेंटर पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे मेन फैब्रिक की इस तरह से। देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब गले की कॉर्नर पे और पूरे राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, और अब अस्तर फैब्रिक को उल्टे तरफ को इस तरह से पलट लेंगे और गले की कॉर्नर की सिलाई करेंगे। तो इस तरह से देखिए गले की फिनिशिंग की सिलाई हमें अच्छे से कर लेनी है पूरे गले पर। नेक की स्टिचिंग बराबर में हो गई है। अब हम ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। तो ब्लाउज वाले फैब्रिक को उल्टे तरफ को पलट लेंगे और साइड से सिलाई करते हुए दोनों फैब्रिक को जॉइंट करेंगे। हाथ से कपड़े को बराबर करते जाएंगे ताकि कपड़े के अंदर कोई भी सेल या क्रीस ना रहे, और फिर साइड से सिलाई करते हुए दोनों फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों फैब्रिक को बराबर में जॉइंट कर दिया है। अब जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसे कट कर लेंगे। सारे एक्स्ट्रा पार्ट को इसी तरह से हमें कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को चारों तरफ कट कर लिया है। अब हम इस पर टक्स की सिलाई करेंगे, साइड से इस तरफ से फोल्ड करेंगे और टक्स की सिलाई कर लेंगे। टक्स की लेंथ 4.5 इंच रखनी है, 4.5 इंच, और फिर इसी तरह से दूसरे साइड को भी फोल्ड करेंगे और टक्स की सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने दोनों साइड बराबर में टक्स की सिलाई कर लिया है। अब हम नीचे के साइड कमर के साइड कमर पट्टी जॉइंट करेंगे। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे, पट्टी को ऊपर के साइड बराबर में रखेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को जॉइंट करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और पट्टी को इस तरफ को पलटते हुए पट्टी के ऊपर से ही एक टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और अब पट्टी को उल्टे तरफ को इस तरह से पलट लेंगे, और फिर डबल फोल्ड करते हुए चाहे तो आप इस पर तुरपाई कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से रफ स्टिच भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने नीचे के साइड कमर पट्टी जॉइंट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक एक्स्ट्रा धागा जो निकला है इसे कट करेंगे। तो ब्लाउज की सिलाई हो गई है, तो इसे करते हैं साइड। अब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए देखिए हमें एक पट्टी लेना है, कॉन्ट्रास्ट में हमें फैब्रिक की पट्टी लेनी है, और पट्टी की चौड़ाई लगभग 2.75 इंच है, 2.75, और फिर सेंटर से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और साइड की सिलाई करते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे। पूरे फैब्रिक को इसी तरह से हमें बराबर में पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई करके जॉइंट कर लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसे कट कर लेंगे, और अब पट्टी को सीधा कर लेंगे किसी चीज़ की मदद से, इस तरह से सीधा कर लेना है बराबर में, और चाहे तो आप इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं अच्छे फिनिशिंग के लिए। और इसी पट्टी से अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके पहले देखिए इसे हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले इस साइड को सिलाई लगाना है बराबर में, अच्छे से इसे इस तरह से हाथ से प्रेस करते जाएंगे और कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए एक साइड से इसे रेडी करेंगे। और अब इसी तरह से पट्टी की दूसरे साइड की कॉर्नर से भी और एक सिलाई लगा लेना है इस तरह से।
तो आप देख सकते हैं पट्टी के दोनों साइड हमारी सिलाई हो गई है। अब इसे डिज़ाइन के लिए कट करना है। तो इस तरह से देखिए लेंथ में हमें इसे 4 इंच रखना है, 4 इंच, 4 इंच की लंबाई रखते हुए इस तरह से बराबर इसे फोल्ड करते जाएंगे और इसे कट करके रेडी कर लेंगे। इसी तरह से और कुछ फैब्रिक हमें अलग से कट करके यानी डिज़ाइन बना के अलग से रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं पट्टी को मैंने बराबर में कट कर लिया है। अब इसे डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन देखिए जिस तरफ हमने सिलाई लगाई है यानी जो हमने फैब्रिक जॉइंट की थी पट्टी को, जॉइंट वाली साइड सिलाई को नहीं करनी है, इसके दूसरे साइड इस तरह से बराबर में छोटे छोटे चुन्नट डालते हुए सिलाई करेंगे और अच्छे से इस पर नॉट लगा देंगे ताकि जो ये डिज़ाइन ये खुले ना। तो आप देख सकते हैं एक डिज़ाइन मैंने आपको बना के दिखा दिया है। इसी तरह से और मैं कुछ डिज़ाइन आपको बना के दिखा दे रही हूँ। तो आपको समझ में आ गई होगी ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बनाई है। पट्टी के कॉर्नर पे देखिए इस तरह से छोटे छोटे सिलाई करनी है और फिर अच्छे से इस पर नॉट लगा देनी है। बस ध्यान रहे जॉइंट वाली साइड हमें सिलाई नहीं करनी है, इसके दूसरे वाली साइड सिलाई करनी है। अच्छे से इस पर नॉट लगा देंगे और एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे। तो इसी तरह से और कुछ डिज़ाइंस बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ डिज़ाइंस अलग से बना लिया है। अब उसे करते हैं साइड। अब हम एक पेपर लेंगे। पेपर की लंबाई 12 इंच है, 12 इंच, और चौड़ाई है 2.5 इंच, 2.5 इंच। और फिर देखिए ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है, दो दो डिज़ाइन हमें इस तरह से बराबर में लेना है, एक ऊपर एक इस तरह से रखेंगे डिज़ाइन को और पेपर के सेंटर पे बराबर में रखनी है इस डिज़ाइंस को। देख सकते हैं मैं किस तरह से ये डिज़ाइन बना रही हूँ। एक ऊपर एक डिज़ाइन को बराबर में रखेंगे पेपर के सेंटर पर और सिलाई करते हुए पेपर के साथ इसे जॉइंट कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और इस पे अब देखिए हम रेडीमेड डोरी से चेन बनाएंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो रेडीमेड डोरी ले सकते हैं या फिर फैब्रिक वाली डोरी भी ले सकते हैं और फिर सेंटर से बराबर में इस तरह से चेन मॉडल में हमें डिज़ाइन बनानी है। तो आपको समझ में आ रही हो कि ये डिज़ाइन हमें किस तरह से बनानी है। तो इसी तरह से पूरे डिज़ाइन के सेंटर पर चेन की डिज़ाइन हमें अच्छे से बना लेना है। तो आप देख सकते हैं पूरे डिज़ाइन के सेंटर पे मैंने चेन डिज़ाइन अच्छे से बना लिया है और एक्स्ट्रा जो डोरी रहेगा इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर में देखिए डोरी को कट कर लेंगे, दोनों डोरी को, और डोरी के सेंटर पे देखिए फ्लावर अटैच करना है। तो इसके लिए स्क्वायर में हमें पट्टी लेना है, पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे और नीचे के साइड इस तरह से कॉर्नर पर लेस को जॉइंट करेंगे, एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे और सेंटर पे डोरी को बराबर में रखते हुए साइड की सिलाई करेंगे, डोरी को अच्छे से जॉइंट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये एक हमारी फ्लावर बनके रेडी है। इसी तरह से दूसरे डोरी पर भी और एक फ्लावर जॉइंट कर लेंगे और फिर इसी तरह से देखिए मैंने और एक फ्लावर बना लिया है यानी डोरी के दोनों साइड फ्लावर जॉइंट कर लिया है। अब देखिए सेंटर पर इस तरह से बटरफ्लाई डिज़ाइन बनाते हुए इस तरह से बना लेंगे और फिर इस वाले डिज़ाइन को भी यानी लटकन को भी हमें बराबर में इस तरह से सेंटर पर रखते हुए सिलाई करके जॉइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन बन चुकी है, चारों फ्लावर हमारे बन चुके हैं। तो इसे करते हैं साइड। अब हम ब्लाउज वाले पार्ट को लेंगे और ब्लाउज के कॉर्नर पे देखिए इस साइड राउंड वाली साइड हमें लेस जॉइंट करना है। आप चाहे तो लेस की जगह पर पाइपिंग भी जॉइंट कर सकते हैं यानी पाइपिंग को भी बना सकते हैं। बराबर में लेस को देखिए गले के कॉर्नर पर सिलाई करेंगे, जॉइंट कर लेंगे और एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे और अब इसके साइड से हम इस वाले डिज़ाइन को जॉइंट करेंगे। तो लेस जो हमने लगाई है इसके साइड 1 इंच का गैपिंग हमें पहले छोड़ देना है और फिर एक एक डिज़ाइंस को बराबर में इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल चिपकाते हुए एक एक डिज़ाइंस को बराबर में इस तरह से रखेंगे और ब्लाउज वाले पार्ट के साथ जॉइंट कर लेंगे। आप चाहे तो पहले 1 इंच का निशान पूरे ब्लाउज में लगा सकते हैं और फिर इसके बाद हम एक एक डिज़ाइंस को बराबर में रखते हुए इसे जॉइंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे डिज़ाइंस को मैंने एक साइड जॉइंट कर लिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और साइड से देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक भी निकला है, तो इसे भी अच्छे से कट कर लेना है और इस पर अब हम लेस लगाएंगे। तो कॉन्ट्रास्ट में लेस लेंगे और इस डिज़ाइंस के कॉर्नर पे हमें लेस को बराबर में रखना है और पूरे डिज़ाइंस के कॉर्नर पर लेस को अच्छे से जॉइंट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे और फिर लेस के दूसरे साइड से भी और सिलाई कर लेंगे लेस की फिनिशिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड लेस लग चुकी है। अब जो हमने ये फ्लावर बनाई है इसके सेंटर पे मोती अटैच करेंगे।
गोल्डन कलर की मोती लेना है और हैंड स्टिच करते हुए सारे फ्लावर की यानी सारे डिज़ाइंस के सेंटर पे मिड पे हमें मोती को जॉइंट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं सारे डिज़ाइंस के सेंटर पे मोती को जॉइंट मैंने कर लिया है। अब हम पेपर वाले डिज़ाइंस को बराबर में इस साइड रखेंगे और अच्छे से इस पर पिनअप कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से देखिए नीचे के साइड से सेंटर से सिलाई करते हुए इसे बराबर में बैक पार्ट के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जॉइंट मैंने बराबर में कर दिया है। अब जो पेपर है इसे अच्छे से रिमूव कर लेना है चारों तरफ। तो आप देख सकते हैं मैंने पेपर अच्छे से रिमूव कर लिया है और ये जो हमने चेन मॉडल में डिज़ाइन बनाई है इसके सेंटर पे हमें एक एक मोती को बराबर में हैंड स्टिच करते हुए जॉइंट करना है। इसी तरह से सारे चेन मॉडल के डिज़ाइंस के सेंटर पे मोती को बराबर में जॉइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे डिज़ाइंस के सेंटर पे मोती अटैच कर लिया है। और बटरफ्लाई जो हमने बनाई है इसके सेंटर पे चाहे तो आप इस तरह से सो बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की ये हमारे ब्लाउज डिज़ाइंस बनके रेडी है और चाहे तो आप गले पर लटकन भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो आज की ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नए डिज़ाइंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।